पुरानी रंजिश के चलते वकील पर हुआ जानलेवा हमला, जिसका हुआ खुलासा। जी हाँ, उन्नाव थाना गंगाघाट पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा वकील पर फायर कर जानलेवा हमला करने वाले दो व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। वकील पर किया गया जानलेवा हमला पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने घटना को दिया अंजाम। पूनम कुमारी पत्नी रवि कुमार एडवोकेट निवासनी मकान कंचन नगर निकट हनुमान मंदिर 6 खंबा कोतवाली गंगाघाट जनपद उन्नाव के थाना आकर सूचना दी कि उसके पति रवि कुमार पेशे से अधिवक्ता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत है। जब मेरे पति घर से ड्यूटी पर निकले समय लगभग सुबह 9:30 बजे मरहरा चौराहे के पास आगे स्टेडियम के पास बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिसका इलाज नॉर्थ स्टार हॉस्पिटल माल रोड कानपुर में चल रहा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कार्यवाही के क्रम में उप निरीक्षक विनय कुमार व उप निरीक्षक राजीव कुमार में हमरा फोर्स व सर्विलांस सेल के संयुक्त प्रयास से घटना को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति आशीष पुत्र रामसेवक निवासी खुदायपुर भटपुरवा थाना गदागंज जनपद रायबरेली व हरकेश पुत्र स्वर्गीय रामदास निवासी बरारा बुजुर्ग डलमऊ थाना गदागंज जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया। गंगा घाट में एक परिवार में तीन भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते थाना खीरो जनपद रायबरेली में भी एक घटना 2022 में देखा गया था। जनपद उन्नाव में गंगा घाट से एक युवक रवि कुमार, जो कि अधिवक्ता भी हैं पेशे से, अपने जब कोर्ट आ रहे थे उसमें उनके ऊपर हमला करके उनको घायल कर दिया था। जिस जगह पर घटना घटित थी, घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और हमने ये उस समय सर्विलांस के माध्यम से पता लगाया कि कौन व्यक्ति इसके हमलावर हो सकता है और उसी सिलसिले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया जो अपराधी है इस मामले में और उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें और हम गहराई से जाँच कर रहे हैं कि कौन लोग शामिल थे, जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक मामला मोरावा